गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे विल डिस्कस अबाउट ई पी एफ रिक्रूटमेंट ऑफ टी ट्वेंटी थ्री अंडर यू पी एस सी सो इसमें टोटल पोस्ट हैं फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन और जो सैलरी है वो आएगा हम लोगों का सेवेंटी थाउजेंड प्लस तो ये रहा वैकेंसी डिटेल्स जो पहला वैकेंसी है वो है फोर हंड्रेड एटीन वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर इन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो इसमें टोटल है फोर हंड्रेड एंड एटीन वैकेंसीज़ और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में वो डिवाइड हुए हैं जिसमें यू के लिए है दो सौ चार पोस्ट ई डब्ल्यू एस फिफ्टी वन ओ बी सी सेवेंटी एट एस टी ट्वेंटी एट एस सी फिफ्टी सेवन और पी डब्ल्यू बी टी ट्वेंटी फाइव ये है ग्रुप बी पोस्ट पोस्ट इज परमानेंट एंड नॉन मिनिस्टरल पी एस लेवल एट एज पॉ सी पी सी एस थर्टी इयर्स पेस का लेवल एट मतलब इसका बेसिक आ जाएगा हम लोग का फोर्टी सिक्स तो इन हैंड सिक्सटी एट सेवेंटी अराउंड आएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन से एजुकेशनल बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली वैकेंसी नंबर टू वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन वैकेंसीज फ़ॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन एम्प्लॉज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसमें यू आर का है सिक्सटी एट ई डब्ल्यू 38, सिक्सटीन ओ बी सी थर्टी एट एस सी ट्वेंटी फाइव एस टी ट्वेल्व पी डब्ल्यू बी टी एट और ये भी है एक परमानेंट पोस्ट जो कि ग्रुप पे है नॉन मिनिस्ट्रियल पे स्केल है लेवल टेन इन द पे मेट्रिक्स एच पॉ द सेवन सीपीसी से तो इसका बेसिक आ जाएगा फिफ्टी सिक्स तो टी ए डी एच आर ए ये सब मिला के हम लोगों का इनहैंड आ जाएगा अराउंड वन लाख तो एज लिमिट है इसमें थर्टी फाइव एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिजायरेबल है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ लेबर लॉस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसमें ड्यूटीज़ वगैरह दिया गया है जैसे ड्यूटीज़ ऑफ़ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इंटर एलिया आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट रिकवरी अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन कैश लीगल पेंशन एंड कंप्यूटर तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है फॉर्म फिलअप और क्लोजिंग का तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाई सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट टू द दोस्ट फ्राम ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ फेबर ट्वेल्व जीरो जीरो नोन क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट इज एटीन जीरो जीरो आवर सिक्स पी एम ऑन सेवेंटीन थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो है सेवेंटींथ मार्च तो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो हम लोगों का जो फॉर्म आएगा लास्ट में सबमिट करने के बाद उसको हम लोग को रखना है क्योंकि इनकेस वी आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू हम लोग को वहाँ पे वो सबमिट करना पड़ेगा एज रिलेक्सेसन यहाँ पे दिया गया है जैसे कि एस टी सी के लिए फाइव ईयर्स और ओ बी सी के लिए थ्री ईयर्स और डिपार्टमेंटल इनकेस फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज टू फाइव ईयर्स जो लोग ई पी एफ ओ में पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए पाँच साल का एज रिलैक्सेसन है यहाँ पर तो जो पहला पोस्ट है उसका रहेगा दिल्ली में तो जैसे मैंने बोला था दोनों का हेड क्वार्टर दिल्ली है प्रोबेशन पीरियड रहेगा दो साल का और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसको थोड़ा देखते हैं अभी क्या है सिलेबस क्या है तो एग्ज़ाम रहेगा दो घंटे का बन सी क्यू रहेगा हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेगा और वन थर्ड नेगेटिव मार्क्स रहेंगे अगर कोई चीज़ कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका उसमें वन थर्ड उसका आपको नेगेटिव मार्क रहेगा सिलेबस में क्या क्या है सिलेबस में है जनरल इंग्लिश टू कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमेन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशूज इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वान एप्टीट्यूड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया तो कुल मिला के बोलना चाहें तो यहाँ पे जीएस, एस क्वान एप्टीट्यूड और इंग्लिस रहेगा सेवेंटी फाइव इज टू ट्वेंटी फाइव जो है थ्री इज टू वन विल बी अकॉर्डेड फॉर मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड फॉर मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट इन द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट बेस और जो सेकेंड पोस्ट है उसके लिए भी सेम पैटर्न रहेगा दो घंटे का एग्जाम वन थर्ड माइनस मार्किंग और हिंदी और इंग्लिश में रहेगा और एम रहेगा बट इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है उससे जनरल इंग्लिश वही सेम टू सेम है लेकिन इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स है इसमें पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी अकाउंटिंग ऑडिटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज इंश्योरेंस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अपप्लीकेशंस जनरल साइंस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स जनरल मेंटल एबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इसमें भी वेटेज वही सेवेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव रहेगा और ये सब एग्जाम सेंटर्स दिया गया जिससे हम लोग को पता है जब यू का फॉर्म फिलअप करते हैं अगर कहीं पर हम लोग लेट करते हैं तो उस जगह में हम लोग को फॉर्म टेस्ट सेंटर हम लोग नहीं दे सकते तो इट्स एडवाइजेबल कि आप लोग जल्दी फॉम फ़िलअप कीजिए तो आइए अब देखते हैं एप्लीकेशन फीस में क्या दिया है कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल एस सी एस टी और पर्सनस विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर एग्जेमटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ़ फी आर रिक्वेड टू पे फी ऑफ ट्वेंटी फ़ाइव रुपीज़ Only either by remitting the money in any branch base, be by cash or by using net banking facility of any bank or by using Visa, Master Rupee credit, debit card or UPI payment. ये एक अच्छा चीज़ है. Those candidates who wish to apply for both the posts have to pay fifty rupees only. मतलब जो इस क्राइटेरिया में जो फुलफिल करता है, जो वंदा जिसको फॉर्म फिलप करना है, तो वो दोनों पोस्ट के लिए एप्लाई कर सकता है. नो फी एग्जामेशन इज़ अवेलेबल टू ओबीसी मेल कैंडिडेट्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे फुल प्रेस्क्राइड फी जैसे कि यहाँ पे भी नहीं बोला है ओबीसी के बारे में कुछ तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन में उसको क्लियर कर दिया है फी वांस पेड सेल में भी रिफंडेड अंडर एनी सर इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओ प्रोफाइल ओ प्रोफाइल मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जो हम लोग का यू पी एस सी के वेबसाइट्स में आता है जिसमें हम लोग जाके अपना सारा एजुकेशनल डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स फ़ोटो सिग्नेचर ये सब चीज़ हम लोग अपलोड करके रखते हैं ताकि आगे जो भी फॉर्म फ़िलअप करेंगे तो वहाँ पे सारा डाटेज वहीं से वो ले लेता है तो यहाँ पे ये यह बोल रहा है कि जैसे सत्रह तारीख को हम लोगों का फॉर्म फ़िलअप का लास्ट डेट है तो अठारह अच्छा से चौबीस तारीख का एक विंडो ओपन होगा जहाँ पर हम लोगों को अगर कुछ मॉडिफाई करना है इस एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ फॉर्म रिलेटेड तो हम लोग चेंज कर सकते हैं अदर देन ओ प्रोफाइल ओ प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है तो हम लोग को ओ प्रोफाइल में जा उसको चेंज करना पड़ेगा फिर वो रिफ्लेक्ट आएगा जो भी है कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देर एल्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम जैसे कि होता है यूपीएससी के सिविल सर्विस में कि हम लोग फॉर्म्स uh, विदड्रॉ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं है जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द कमीशन द प्रिट आउट्स ऑफ द ऑनलाइन अपलिकेशन जैसे हम लोग फॉर्म फिलप करने के बाद कुछ कुछ एग्जाम्स में होता है कि हम लोग को फॉर्म्स भेजने पड़ते हैं वो सब नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर तो जब हम लोगों इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तभी जा हम लोग वो फॉर्म को आना पड़ेगा वहाँ पे सो so फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए ई पी एफ ओ रिक्रूटमेंट के डिटेल्स जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्म फ़िलअप से लेके सिलेबस से लेके फीस वगैरह तो अगर आप लोगों का हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा सो दैट यू विल बी अपडेटेड एवरी टाइम थैंक यू all the best thank you and all the best for your exam